साला बोल रहा पढ़ी लिखान है, पढ़ी लिखी। हाँ पढ़ी लिखी है लड़की, समझदार है लड़की। देवी इधर आओ। अरे कोई हम ऐसा ऐसा आदमी ना है कि हमके देख के घूंघट कर रही हो। लेकिन देवी जी, जी हाँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? जी हमारे भैया इस समय ड्यूटी पर गए हैं। क्या ड्यूटी पे? जी हाँ। क्या करते हैं? जी उन्हें अभी हाल ही ताज में पुलिस की ड्यूटी मिली है। वो हराम ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर बन के बैठ गया है, कर्जा का नहीं ध्यान है। मालूम होता है कनेक्टर हो गए, कनेक्टर हो गए, कलेक्टर हो गए। लेकिन लल्लो सेठ गिरधारी लाल को मौका बार बार नहीं आएगा। कश्यप प्रयागराज की इसका भाई नहीं है, और कहावत थी ये लोहा गरम है हथौड़ा मार दीजिए। अरे कहीं में कहीं कांटा भिड़ाते रहो। लेकिन सेठ जी, क्या बात है? लड़की अच्छी गंधैली है। कौन साली? अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की, खूबसूरत है। इसका पैर आगे पीछे इंजन की तरह होता जाता है। लेकिन देवी जी तुम्हारा नाम क्या है? जी बाबूजी मेरा नाम ज्योति है। ज्योति है? जी हाँ। मालिक ने क्या नाम वास्तव में सांची में ढाल दिया है? क्या पतली कमर है लल्लो? इनका नाम ज्योति है, हम लोग हायरों से जोता। चुप रहो ज्योति। छोड़ो भाई की बात, मेरी बात मत। क्या कहना चाहते हैं कहिए साफ साफ, बताइए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुंह तो दिखाओ। क्यों, क्या क्या हमें मेरा चेहरा देखने से शर्म लग रही है? जिया हमारे घर का वसूल है कि हम घर की मान मर्यादा किसी बाहर को नहीं दिखा। अरे हमारा सबके मुहे में खाना आई। चुप रहो साली। वाह वाह वाह, सुनो मेरी बात। तो देख क्या पतली कमर और तिरछी नजर रे, देखी पन्नी कमर और तिरछी नजर, दिल में मेरे तेरा समाई गया। आओ बाहो का झूला, अरे झूला दूं तेरी, तेरा तारा तमन्ना दूर। हमारा नाम शेठ गिरधारी लाल है, गरीबों का मसीहा हूँ, ईमानदार और रहीस इज्जतदार आदमी हूँ। कर मेरी बात मानती हो तो वास्तव में बहुत धूमधाम से शादी रचाऊंगा। अरे सहनाई बजाऊंगा मेरी रसगुल्ला। मेरी बात कविता कहीं क्या को जा, अरे दुल्हनिया बना, कहते मातर हमारे पास आना। अरे नीच, तेरे घर में तेरी माँ बहन है क्या कमी? कोई नहीं है ज्योति, मैं अकेला हूँ। अकेला हो जाते ही बहुत जायदाद, बहुत रुपया पैसा है, मालो माल हो जाओ। बाबू साहेब आवा चली घर छोड़ा झंझटी, ज्योति है। ज्योति नाम है साहेब। देखो ज्योति। क्या है? क्या देखो तुम्हारे में? अच्छा ये बताइए, हंसी मजाक जाने दीजिए। क्या हम तुझे अच्छा नहीं लग रहा हूँ? अरे यार जब नहीं रहा। देखिए आईने में अपनी शक्ल देखते हो कि नहीं? आईने में अपनी शक्ल कभी देखे हो? बराबर देखता हूँ। बस छुट्टा का ही क्या? लेकिन आज ये आईना देख के तबीयत हरी भरी हो गई।
साहब सब ठीक है साहब। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है। हाँ साहब। कि मैं घर पहुंच गया, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ साहब। बहन ज्योति का कहीं पता नहीं है? वही बात तो मैं भी कहने वाला था आपसे। आवाज देता हूँ, हो सकता है पड़ोस में चली गई हो। अरे ज्योति बहन, ज्योति साहेब, आज एक हफ्ता हो गया साहेब, एक हफ्ता हो गया साहेब, ज्योति बहन का कोई पता नहीं चल रहा। क्या कहा? एक हफ्ता हो गया? हाँ साहब। कोई पता नहीं है? कौनो पता ही नहीं चलता बा साहेब, ज्योति बहन कहाँ चली गई, किस जगह पर है। ये क्या सुन रहा हूँ, कैसी बात बता रहे हो? मैं मेरी बोल रहा हूं सच नहीं बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि अपना घर छोड़कर बहन बाहर कैसे जा सकती है? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब आपके सामने। एक हफ्ता से वो ज्योति बहन का कोई पता नहीं चल रहा है। क्या बताऊं, मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहन से वादा किया था रक्षा पर, रक्षाबंधन के पर्व पर घर आऊंगा, तुम्हारे हाथ से अपनी कलाई पर राखी बधाऊंगा। बहन का पता नहीं है, अब क्या करूं, चल रहा हो वापस अपनी ड्यूटी पर। परिवाली रब
और गंगे में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं जीना मुझे, नंबर एक और नंबर दो। अरे लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम और कहाँ की रहने वाली है और कहाँ है तेरा धाम। कहाँ है तेरा धाम मुझे साफ साफ बतलाओ और राजे दिल तुम अपने दे भी मुझसे नहीं छिपाओ। देवी जी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि देखने में भोली भाली लगती हो, किसी शरीफ घराने की बहन बेटी हो, कौन ऐसी मुसीबत सर पर आ चुकी है जो कि तू अपनी जान माँ गंगे में देना चाहती हो। भैया अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा मेरे भाई। लेकिन मैं आज तुझसे सब कुछ जानना चाहता हूँ, कौन ऐसी मुसीबत आई जो तू अपनी जान को कमाना चाहती है, या किसी हत्यारे ने तुझे सताया है, या और कोई बात है। आज तो तुझे अपने दिल की बात मुझसे जरूर बताना होगा। भैया अगर आप सुनना ही चाहते हैं, जानना ही चाहते हैं कि मेरा नाम क्या है और मैं ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे भाई मेरा नाम मेरे बाप ने और मेरी माँ मेरे भाई ने बड़े प्यार से नाम ज्योति रखा है। क्या कहा, तेरा नाम ज्योति है। लेकिन ज्योति अगर तेरा नाम ज्योति है तो तेरे घर में और कोई होगा। जी हाँ हमारे बाबूजी का नाम भोला किसान है और हमारे बड़े भैया को कौन नहीं जानता है। जिस गली जिस चौराहे पर देखी मेरे बड़े भैया का ही नाम सुनाई देता है। उन्हें बड़े ही प्यार से लोग कहते हैं दीपक इंस्पेक्टर जी। यानी तेरे बड़े भाई का नाम दीपक है। जी हाँ। और तेरा नाम ज्योति है। जी हाँ भैया। लेकिन ज्योति तेरे भाई का नाम दीपक है तो तेरा भाई क्या करता है। जी पुलिस इंस्पेक्टर इस समय अपनी ड्यूटी पर गए हैं। लेकिन इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद जिसकी बहन हो उसे जान देने की क्या जरूरत है। इसका कोई कारण होगा, कोई राज होगा। मेरे भाई अगर तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनिए। ना जाने कैसी पुरानी बातें थी, हमारे बाबूजी हमारे गांव में हमारे शेर गिरधारी लाल जी है उनके घर से कुछ रुपए लाए थे। रुपए ना देने के कारण वो घर पर एक दिन वसूली करने आए, मुझे अकेला देख अपने महल लेकर गए और मेरे साथ थोड़ा प्यार किया। नहीं ज्योति, ऐसी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया है। क्या कहा हो हराम खोर, शेर गिरधारी लाल तुम्हारे पिता को कर्ज दिया था और कर्ज ना देने के कारण तुम्हारी झोपड़ी पर पहुंचा और तुम्हें अकेली पा करके उठा ले गया और तुम्हारी असमत को बर्बाद कर दिया। इसलिए तू दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। यही कारण है जो कि तू माँ गंगे में अपनी जान को देना चाहती है। लेकिन ज्योति अगर तू इसी तरीके से गंगे माँ में अपनी जान दे देगी तो तू अपने अपमान का बदला नहीं चुकाएगी। तुझे मालूम होना चाहिए कि ऐसे सीधे साधे अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अरे तू कैसी बातें करती है, तू हिंदुस्तान की नारी है, ऐसे नारियों पर हिंदुस्तान को नाद और घमंड करना चाहिए। मेरी बात सुनो जी भैया। ज्योति आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए भैया। मेरी बात को मानोगी? जी क्यों नहीं मानोगी। हाँ हमारे जुगनू उस्ताद एक सिकंदरा के निवासी है बाबू साहब। ये सीनते करके और सुनील दासर के लिए 21 रुपया का पुरस्कार करते हैं
और उसकी एक फरमाइश है, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। ज्योति तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं है जी भैया, आज तुम्हें मेरी एक बात मानना होगा। जी कैसी बात भैया? मेरी बात सुनो। जी सुनाइए। गौर से सुनिएगा ज्योति जी। क्यों नहीं भैया? और ये ध्यान से बातें ज्योति हमारी सुनो, ध्यान से बात। ज्योति हमारी सुनो, तोड़ते हाथ की तू सभी चूड़ियां, और उठा ले तू हाथों में बंदूक को, और मिटा दे तू चल करके ओ हस्तियां। ज्योति जी भैया, तुझे मां भवानी की सौगंध है, आज से तू अपने हाथों की चूड़ियां फोड़ दे और उठा ले मां भवानी का नाम लेकर के बंदूक, और मिटा दे साले उस दरिंदे कुत्ते सेठ गिरधरिया को, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। आज से तेरा नाम ज्योति नहीं होगा, आज से तेरा नाम नहीं ज्योति नहीं होगा, बल्कि चंबल की खूंखार शेरणी डाकू ज्वाला रानी होगा। आप कहेंगे वैसे मैं करूंगी। ठीक है ज्योति, तो देर किस बात की, उठा ली इस बंदूक को और आज से माँ भवानी का नाम लेकर बन जा ज्वाला रानी, और चला दे उस दरिंदे को जिसने तेरी असमत को बर्बाद किया है। ए ले बंदूक। ज्योति जी भैया, चलो हमारे साथ। सबसे पहले तुम अपने कपड़े बदलो और चेहरे पर नकाब डालो, ताकि कोई पहचान न सके कि ये वही ज्योति है, और उस हरामखोर के पास लल्लू इधर आओ। तुम्हें एक काम करना होगा, क्या करना होगा? तुम्हें काम ये करना होगा कि ऐसे पुतलों का काम है जो कि बताए बिन किसी के पास जाएं। आज उसके पास मैं एक खत लिखूंगा और वो खत तुम्हें पहुंचाना होगा। अच्छी बात है। और याद रखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रखवाली करता रहूंगा जब तक तुम खत दे करके वापस नहीं आओगे। और आज से तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, और आज से तुम्हारा नाम लल्लू नहीं होगा, बल्कि चंबल का खूंखार डाकू मोतीलाल होगा। मेरा नाम आज से मोतीलाल होगा, उसके साले के मुंह में मूत दूंगा। देखो लल्लू भाई, एक कागज लाओ। लाओ कलम, लाओ लाओ। ए प्रधानमंत्री की कलम कहां से उठा लाया तू? सरकार लखनऊ का रहे हाँ। योगी जी के देखो, इसे मैं लिख रहा हूं, सेठ गिरधारी लाल, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12:30 पर मैं तुम्हारे घर डकैती डालने आ रहा हूँ। तुम जितनी पुलिस फोर्स की जरूरत समझते हो अपने बताओ के लिए लगा सकते हो। तुम्हारी मौत डाकू भवानी सिंह, डाकू ज्वाला रानी और डाकू मोतीलाल। ठीक है, ये लो, इसे तुम्हें उसके मका तक पहुंचाना है, फिर देखा जाएगा कि वो साला कैसे बचता है। चलो ज्योति आज उसके पास चल करके उसके खून से होली खेलना है, फिर देखा जाएगा कि वो साला हमारे बंदूक से कैसे बचता है। समा
घर वाला कहते हैं। कूदे चंदे मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। जय मां भवानी की। आ रहा हो साले खेल गिरधरिया, जब तक मैं तेरे होल से होली नहीं खेलूंगा तब तक मैं एक पल नहीं बैठूंगा। हराम होर आ रहे हैं। जय मां भवानी की।